एनसीसी भर्ती एंट्रेंस एग्जाम क्विज टेस्ट फर्स्ट, अब जो आपका टेस्ट होगा 25 क्वेश्चन का होगा और एक क्वेश्चन पे मात्र 5 सेकंड मिलेंगे पहले जैसे, तो आप लोग टेस्ट पूरा देंगे 25 का 25 क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। सभी को जय हिंद। जो लोग नए होंगे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, एनसीसी का फुल फॉर्म लिखे, नेशनल क्रेडिट कोर, नेशनल कैडेट कोर, नेशनल कैडेट कोर या नॉन कैडेट कोर। टाइम आपका इधर कॉर्नर में चल रहा है तो लिमिट टाइम में आंसर आना चाहिए और लास्ट में कमेंट करके बताएंगे कितना सही किया। करेक्ट आंसर होगा एनसीसी का फुल फॉर्म नेशनल कैडेट कोर, ऑप्शन सी वाले सही है। सेकंड, वायु सेना दिवस कब मनाते हैं, 8 अक्टूबर को, 4 दिसंबर को, 15 जनवरी को या 26 जनवरी को। ऑन व्हिच डेट वी सेलिब्रेट एयर फोर्स डे, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 8 अक्टूबर को। नेक्स्ट, थर्ड, एनसीसी का मोटो क्या है, शांति और सत्य, एकता और अनुशासन, अहिंसा और धर्म या एकता और सत्य। व्हाट इज द मोटो ऑफ एनसीसी, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी एकता और अनुशासन। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, श्री धर्मेंद्र प्रधान, मौलाना अबुल कलाम आजाद या रमेश पोखरियाल। मोस्ट वीवीआई एनसीसी रिलेटेड और करेंट अफेयर्स मोस्ट वीवीआई है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी श्री धर्मेंद्र प्रधान। आप लोग करेंट अफेयर्स सर्च करके एक बार देख लेंगे, ठीक है। फिफ्थ, एनसीसी की स्थापना कब हुई थी, 16 जुलाई 1948 को, 16 अप्रैल 1948 को, 15 जुलाई 1948 को या 15 अप्रैल 1948 को। वेयर वाज एनसीसी एस्टैब्लिश्ड, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 16 जुलाई 1948 को। सिक्स, भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, 28 और 8, 29 और 8, 28 और 9 या 29 और 9। और प्ले स्टोर से आप तेजस एनसीसी आर्मी ऐप डाउनलोड कर लेंगे जहां आपको सारे नोट्स मिलेंगे, करेक्ट आंसर प्रेजेंट में 28 और 8, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित है, ऑप्शन ए वाले सही है। ये सब करेंट अफेयर्स है, ठीक है, सर्च कर लेना है। सेवन, थल सेना दिवस कब मनाते हैं, यानी आर्मी डे, 8 अक्टूबर को, 4 दिसंबर को, 15 जनवरी को या 26 जनवरी को। ऑन व्हिच डेट वी सेलिब्रेट आर्मी डे, सबका परफेक्ट होना चाहिए, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 15 जनवरी को। एट, BOI का फुल फॉर्म लिखें, बैंक ऑफ इंडोनेशिया, बैंक ऑफ इंडिया, बोर्ड ऑफ इंडिया या बैंकर्स ऑफ इंडिया। फुल फॉर्म ऑफ BOI, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के थल सेना अध्यक्ष का नाम लिखें, जनरल विपिन रावत, जनरल मनोज पांडे, श्री राजनाथ सिंह या जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। राइट द नेम ऑफ प्रेजेंट आर्मी चीफ ऑफ इंडिया, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी जनरल मनोज पांडे, ठीक है, ये सब करेंट अफेयर्स इसलिए मैंने लिख दिया कि सर्च कर लेना। 10, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में, 16 अप्रैल 1919 को अमृतसर में, 13 अप्रैल 1920 को अमृतसर में या 16 अप्रैल 1920 को अमृतसर में। इसमें दो क्वेश्चन है, कब और कहां, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में। 11, आर्मी का सबसे बड़ा रैंक बताएं, कैप्टन, सिपाही, फील्ड मार्शल या जनरल। विच इज द हाईएस्ट रैंक ऑफ द आर्मी, और ये सारे एनसीसी भर्ती के ओरिजिनल क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी जनरल। 12, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, गोवा, गुजरात, उत्तर प्रदेश या सिक्किम। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी सिक्किम। 13, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, बिहार, उत्तर प्रदेश, मुंबई या दिल्ली। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। 14, स्वस्थ मनुष्य का हृदय की धड़कन 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 78 बार, 72 बार, 70 बार या 75 बार। मतलब हेल्दी पर्सन का हार्ट बीट 1 मिनट में कितनी बार होता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 72 बार। 15, इसरो का पूरा नाम यानी फुल फॉर्म लिखे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिकॉर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या इंडियन स्पेस रिसर्च ओरिएंटेशन। टेस्ट पूरा देना, ठीक है, 25 क्वेश्चन है, 20 नहीं 25 है,
और चैनल सभी लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 16 विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग का नाम बताइए, बेरीबेरी, अश्कर्वी, रेबीज या प्लेग। व्हिच डिजीज कॉज्ड ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन सी। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी अश्कर्वी। 17 विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, रेबीज, अश्कर्वी, सूखा रोग या बेरीबेरी। व्हिच डिजीज कॉज्ड ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन डी। ऑल इंडिया में सेम क्वेश्चन आते हैं तीनों विंग में। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सूखा रोग। 18 कारगिल विजय दिवस कब मनाते हैं, 16 दिसंबर को, 24 जुलाई को, 26 जुलाई को या 26 दिसंबर को। ऑन व्हिच डेट वी सेलिब्रेट कारगिल विक्ट्री डे। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 26 जुलाई को। क्वेश्चन नंबर 19 सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, बिहार, केरल, उत्तराखंड या दिल्ली। मतलब मैक्सिमम लिटरेसी रेट किस स्टेट की है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी केरल की। 20 भारत की राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताएं, कबूतर, बाज, मोर या तोता। राइट द नेम ऑफ नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी मोर यानी पीकॉक। 21 भारत का राजकीय प्रतीक क्या है, अशोक चक्र, तिरंगा झंडा, अशोक का पेड़ या अशोक स्तंभ। भारत का राजकीय प्रतीक क्या है, नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी अशोक स्तंभ। 22 भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, जनगण मन, वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा या ऐ मेरे वतन के लोगों। नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी वंदे मातरम। 23 विजय दिवस कब मनाते हैं, 16 दिसंबर को, 5 सितंबर को, 26 जुलाई को या 15 अगस्त को। ऑन व्हिच डेट वी सेलिब्रेट विक्ट्री डे। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 16 दिसंबर को। 24 भारत के वर्तमान विदेश मंत्री कौन है, सुषमा स्वराज, प्रणब मुखर्जी, श्रीमती निर्मला सीतारमण या डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। हु इज द प्रेजेंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। करंट अफेयर से इसलिए लिख दिया, सर्च कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन आज का 25 भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है, आम का पेड़, पीपल का पेड़, अशोक का पेड़ या बरगद का पेड़। विच इज द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बरगद का पेड़, जिसको बनियान ट्री बोलते हैं। तो आज के विनर कौन कौन है कमेंट करके बताएं, जिनका 25 में 25 है आप सभी को कांग्रेचुलेशन, बाकी लोग का कितना सही कमेंट करें। कल होगा क्विज टेस्ट 2, बाकी आपको मैं जानकारी दे दूं, डेली शाम में 8 बजे से लाइव क्लास होती है, आप टाइम से क्लास करेंगे। आपको सारे नोट्स कहाँ मिलेंगे, भर्ती मॉडल पेपर्स आप डाउनलोड कर लेंगे तेजस NCC आर्मी ऐप प्ले स्टोर से, जहाँ आपको सारे नोट्स मिलेंगे। और आपको 37 सब्जेक्टिव मॉडल पेपर याद करने हैं और जो क्वेश्चंस मैंने क्लास में बताए हैं। बाकी टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में, ये न्यू भर्ती का ग्रुप है, आप वहाँ से ज्वाइन कर लेंगे, इंस्टा आईडी फॉलो कर लेंगे, कोई दिक्कत हो मैसेज करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए इतना ही, सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।